अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। 20 किचन के ऐसे टिप्स ताकि दोगुना कर देंगे आपके खाने का स्वाद। आप देख रहे हैं लेट्स ब्लॉग विद हुरैन। आप सभी का स्वागत है मेरी एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो में। आज किचन के लिए कुछ खास बातें करेंगे। अक्सर लोग खाना बनाने से दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें किचन में होने वाली गलतियों से डर लगता है। उन्हें लगता है कि अगर खाना जल जाए तो, या कच्चा रह जाए तो, या फिर स्वाद नहीं हो तो। मगर ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग इसे समझते हैं। इन सभी गलतियों के लिए एक्सपर्ट ने कई टिप्स और हैक तैयार किए हैं जिसकी मदद से किचन में हुई छोटी मोटी गलतियों को सुधारा जा सकता है। खाना बनाना भी किसी आर्ट की तरह है जिसे अगर थोड़ा भी धीरज रखकर या फिर ध्यान से किया जाए तो इसमें भी परफेक्शन पाया जा सकता है। अगर आप भी कुकिंग के मामले में नए हैं और थोड़ी मदद की अगर आप भी कुकिंग के मामले में नए हैं और थोड़ी सी मदद की तलाश में हैं तो हमें यकीन है कि आपके टिप्स ये ज़रूर काम आएंगे। इन टिप्स से न सिर्फ आपको खाना बनाने में मदद मिलेगी बल्कि इसका स्वाद भी बेहतरीन होगा। नंबर 1, छेना फाड़ने के बाद इससे निकला हुआ पानी नहीं फेंकें। इसका इस्तेमाल रोटी या पराठा गूंदने में किया जा सकता है। रोटी पराठा ज़्यादा टेस्टी और मुलायम बनेंगे। नंबर 2, पकोड़े के लिए बैटर बनाते वक्त इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला दें, पकोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। नंबर 3, पुरानी या बासी ब्रेड को पीसकर एयरटाइट डिब्बे में रख लें। बाद में इसका इस्तेमाल कटलेस या कबाब बनाने में करेंगे तो टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं और स्वाद भी बढ़ेगा। नंबर 4, कोई भी मीठा बनाते वक्त इसमें एक चुटकी नमक डालें, इससे स्वाद और ज़्यादा उभर कर आएगा। नंबर 5, चावल बनाते वक्त इसमें पानी में एक चम्मच घी और कुछ बूंदे नींबू के रस की डालें, इससे चावल खिले खिले और बिल्कुल सफ़ेद बनेंगे। नंबर 6, किसी भी ग्रेवी को बढ़ाने के लिए प्याज भूनते वक्त इसमें आधा चम्मच चीनी डालें, चीनी कैरमलाइज होकर ग्रेवी को अच्छा कलर देगी और स्वाद भी। नंबर 7, पूड़ियों को बेलकर तलने से 10 मिनट पहले फ्रिज में रख दें, इससे वो फ्राई करते वक्त ज़्यादा तेल नहीं सोखेंगी। नंबर 8, सूजी को हलवे के लिए भूनते वक्त इसमें आधा चम्मच बेसन भी मिला लें, इससे हलवे का स्वाद दोगुना हो जाएगा। नंबर 9, परफेक्ट फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए आलू को काटकर इन्हें 2-3 मिनट के लिए पानी में उबालें। पानी से निकालकर इन्हें किचन टॉवल या फिर टिश्यू पेपर पर फैला दें, इससे इसका सारा पानी सोख जाएगा। अब इन्हें कॉर्नफ्लोर डस्ट करें, जिप लॉक बैग या फिर एयरटाइट डिब्बे में बंद करें, फ्रिज में रख दें। ज़रूरत पड़ने पर इन्हें निकालें और तुरंत फ्राई करें। नंबर 10, प्लेन मायोनीज में हरी चटनी या फिर टमाटो चिली सॉस या चॉप किया हुआ धनिया पुदीना मिलाकर बिल्कुल नई स्वाद वाला डिप या स्प्रेड तैयार करें। नंबर 11, लहसुन की 10 या 12 कलियों को बारीक काटकर एक चम्मच तेल में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। इसे पानी निचोड़े दही में नमक, चिली फ्लेक्स और बारीक कटे हुए धनिए के साथ मिलाएं। आपका हेल्दी और टेस्टी सैंडविच, स्प्रेड और डिप तैयार है। नंबर 12, ऑमलेट बनाने के लिए अंडा फेंटते वक्त इसमें 2 चम्मच दूध मिला लें, इससे ऑमलेट सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। नंबर 13,
इंस्टेंट क्रिस्पी पोटैटो चिप्स बनाने के लिए आलू के पतले पतले स्लाइस कट करें। इन्हें बर्फ़ वाले पानी में थोड़ी देर के लिए रख दें और इसके बाद फ्राई करें। नंबर 14, बिना अंडे का सॉफ्ट और फ्लफी केक बनाने के लिए केक का बैटर पके केले और दही के साथ बनाएं। नंबर 15, लौकी का कोफ्ता या हलवा बनाने के लिए इसमें कद्दूकस करने के बाद जो पानी निकलता है उसे आटा गूंथ लें। इससे पराठा या सिर्फ सॉफ्ट और टेस्टी बनेगा बल्कि हेल्दी भी बनेगा। ये हमारी आज की आपको खास बातें कैसी लगी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।